नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत दिनों बाद आपसे मुखातिब हूँ और इस बार मैं बात करूंगा अपने गृह राज्य राजस्थान की, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया अपने गृह राज्य राजस्थान के बारे में बात करने के लिए। राजस्थान में एक राजनीतिक उठापटक चल रही है जिसमें फिलहाल ये लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने प्रतिद्वंद्वी सचिन पायलट को मात दे दी है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों। एक बहुत लंबा खेल अभी जारी है, ये एक पड़ाव है उस गेम का जिसमें सचिन पायलट ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हार गए, क्योंकि उन्होंने भी पूरे पत्ते अपने खोले नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं सचिन पायलट का कोई फैन नहीं हूं, क्योंकि सचिन पायलट भी एक डायनास्ट है राहुल गांधी की तरह, और उससे मुझे कोई सहानुभूति नहीं है। और सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह एक अपना कोई इलाका एरिया राज्य का उस पर भी उनका कोई बहुत अधिक प्रभाव नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया वहाँ पर जीतने में इसलिए सफल हो गए थे कि चंबल इलाके में जो ग्वालियर और रीवा के ग्वालियर और गुना के आसपास पड़ता है वहाँ पर उनका काफ़ी प्रभाव था, और वहाँ पर कांग्रेस को 26-27 सीटें जिताने में वो सफल भी हो गए थे। और उनके बाद उसके अलावा उनके पास तुलसी सिलावट जैसे कद्दावर और पुराने कांग्रेसी नेता थे जिनकी कांग्रेस में अच्छी पेट थी। सचिन पायलट के साथ ऐसा कोई नेता या ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, वैसे देखा जाए तो वे राजस्थान के भी नहीं है। उनके पिता यूपी में है और वो दौसा में चुनाव लड़ा करते थे, इसलिए वो राजस्थान के हो गए। और यदि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का संदिग्ध अवस्थाओं में यदि निधन या मृत्यु नहीं हुई होती तो शायद सचिन पायलट राजनीति में भी नहीं आते। तो सचिन पायलट कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने 5 साल में काफ़ी मेहनत की थी, और जिससे कि इस वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार कांग्रेस में हार गई थी और वो अच्छे खासे बहुमत से विजयी हुए थे। लेकिन यदि आप थोड़ा और पीछे जाएं, 2018 के चुनाव के पीछे जाएं, तो एक स्थिति ऐसी थी, और जैसा कि ज़्यादातर सर्वे बताते थे कि राजस्थान में बीजेपी का सफाया हो जाएगा और वो 25-30 सीटों तक ही सिमट जाएगी। लेकिन उस चुनाव के पहले से ही सचिन पायलट और वो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में टकरार शुरू हो गई थी सीटों के बंटवारे में, और अंततः जिसमें लड़ाई में जो गहलोत जीत गए थे तो बीजेपी 72 सीटें जीतने में सफल रही थी। उसके अलावा उनकी 3 सहयोगी पार्टी, उस समय सहयोगी तो नहीं थी लेकिन फिर भी 3 और सीटें भी उनकी हैं, तो 75 अभी संख्या उनकी है। और बाकी जो कांग्रेस बता रही है कि 102 सीटों पर उनका उनका 102 विधायकों का समर्थन मालूम है प्राप्त है। उन्होंने 19 सचिन समर्थक विधायकों को राज्य लोक विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा एक नोटिस भी दिलवाया गया, जो कि देखा जाए तो एक प्रेशर टैक्टिक्स है इन लोगों को वापस बुलाने के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर गंभीरता से ऐसे लिया जाए, और चूंकि विधानसभा अध्यक्ष कांग्रेस का है और वो यदि इनको अयोग्य घोषित कर देता है तो फिर कांग्रेस की सरकार खतरे में आ जाएगी, क्योंकि उस समय फिर 6 या 7 सदस्यों को बीजेपी को तोड़ना होगा, और इसके लिए बहुत आसानी से वो जो बसपा के सदस्य जो कांग्रेस में गए उनको आसानी से खरीद सकती है, अपने वाले में मिला सकती है। तो खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने जिसके लिए वीडियो बनाया है, वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि सचिन पायलट और बीजेपी का एक सहयोगी चैनल ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सचिन पायलट का खेमा टूट गया है और उसके कुछ विधायक झटक के वापस कांग्रेस में जाने को लालायित है। ये एक डमी है, डमी जैसा कि आपने अगर पुराने या अंग्रेजी उपन्यासों में पढ़ा होगा कि एक कार के पीछे किसी का पीछा करना होता है तो एक पहले डमी कार जाती है, वो उसका पीछा करती है, जो कि जिसको कि जो जिस गाड़ी का वो पीछा कर रहे होते हैं उसको गच्चा दे देता है, और वो समझता है कि मैंने अपने पीछे करने वाली कार को धोखा दे दिया है, और उसके बाद असली कार एक्चुअली में टेक ओवर करती है और वो उसका पीछा करती है। तो इसमें ये यही है, ये जो गच्चा दिन 4 या 8-5 जो सचिन पायलट से विधायक छिटक के जाने वाली बात है, ये एक डमी है ताकि गहलोत काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाए और वो उन विधायकों को सबको छोड़ दें जिनको अभी बाड़ेबंदी में रखा हुआ है, क्योंकि अभी फिलहाल तो बीजेपी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाएगी। हालांकि वो मीडिया में कह रहे हैं कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, लेकिन वो नहीं लाएंगे अविश्वास प्रस्ताव, और जब वो स्वतंत्र हो जाएंगे उस समय सचिन पायलट
का एपिसोड 2 चालू होगा और वो बहुत महंगा पड़ेगा अशोक गहलोत को। उस समय अभी बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा संकेत नहीं है, बीजेपी बाहर खुलकर नहीं आ रही है और अमित शाह का भी इस खेल में उतरना बाकी है। तो याद रखिए मेरी इस बात को कि एपिसोड 2 में जो सचिन पायलट एपिसोड 2 में पीछे से गाइड करेंगे अमित शाह और उस समय सरकार का गहलोत सरकार का पतन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाएंगे या अपनी अलग पार्टी बना के बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, यह भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि सचिन अशोक गहलोत सरकार आज नहीं तो कल गिर जाएगी। तो इस साल जो 3 सरकारें गिराने का प्लान था बीजेपी का, उसमें से पहले उन्होंने मध्य प्रदेश की गिरा दी जो कि होली पर हुई थी, अब रक्षाबंधन या गणेश चतुर्थी के आसपास दूसरी सरकार जाएगी और तीसरी सरकार जो कि महाराष्ट्र की होगी वो दशहरा दिवाली के बीच बीच में गिरेगी, ऐसा लोगों का कहना है और ये भाव सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा है। तो मैं आपको इसी के साथ छोड़ जाता हूँ कि उल्टी गिनती अशोक गहलोत सरकार की अभी से शुरू हो गई है, आगे देखें क्या होता है।